हेलो फ्रेंड्स, स्वाद का खजाना में आपका स्वागत करते हैं। आज बनाएंगे बहुत हल्का फुल्का नाश्ता, मूंग दाल चिल्ला, हरे मूंग की दाल का। बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा, बहुत आसान तरीके से, घर के ही लोहे के तवे में। तो आइए रेसिपी देखते हैं। ये छिलके वाली मूंग की दाल है, इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह भीग गई है, इसको दो तीन पानी से अच्छी तरह धो लिया है। मिक्सर जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने से पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार हरी मिर्च, लहसुन, अदरक बारीक कटा हुआ। ये पेस्ट बन गया है, बिल्कुल स्मूथ और फाइन पेस्ट चाहिए। एक बड़े बाउल में पेस्ट को शिफ्ट कर लेंगे, उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी कलर के लिए, दो चम्मच चावल का आटा डाल देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस चावल के आटे से थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे डोसे का घोल होता है बस उतना पतला घोल तैयार करेंगे। मैंने मिक्सर के जार में ही पानी ले लिया है, वही पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। ये घोल तैयार हो गया है। अब एक लोहे का ही तवा गैस पे गर्म होने के लिए रखेंगे। नॉन स्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, लोहे के तवे पे ही बहुत पतले पतले क्रिस्पी चिल्ले बनकर तैयार होंगे। तवे पे लगा दिया मक्खन, घी, तेल, कुछ भी लगा सकते हैं। एक नैपकिन से पोंछ देंगे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, पानी का छिट्टा मार देंगे, दोबारा से पोंछ देंगे। एक चमचे में मूंग की दाल का जो पेस्ट बनाया था घोल लेंगे और फैला देंगे, बहुत आराम से फैल जाएगा। बस फ्लेम को स्लो रखिएगा। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, थोड़ी देर सिकने देंगे, किनारे से घी, तेल, मक्खन कुछ भी लगा देंगे। इसको सिकने में 10 से 15 सेकेंड लगते हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब एक पलटे से पहले किनारे को छुड़ा लेंगे और पलट देंगे। दूसरी तरफ भी सिक जाने देंगे। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं, तो इनको निकाल लेंगे। सर्व करने के लिए तैयार हैं। फिर गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, तवे पे पानी का छिट्टा मारेंगे और दूसरे चीले को भी फैला देंगे। ऐसे ही सभी चीलों को बना लेंगे। चिल्ला बनाने का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीके से सभी चिल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब आइए इन्हें सर्व करते हैं। बहुत टेस्टी चिल्ला बनकर तैयार है। इसे दही, जीरे वाले दही के साथ सर्व करिए, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मिलते हैं ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी के साथ।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।